हेलो एवरीवन गाइस सो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं आज हमारा सबसे और अच्छा सा टॉपिक जिसमें से ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं यहां से आपको जरूर एक दो क्वेश्चन गाइस एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा चाहे जो भी हो जाए तो गाइस आज हम लोग क्लास टेंथ का चैप्टर नंबर फोर इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पार्ट नंबर थ्री पढ़ने वाले हैं आई होप गाइज के आपने इसके पहले के दो पार्ट देखे होंगे बहुत ही मजेदार तरीके से ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट को मैंने समझाया है और गाइज मुझे भरोसा है कि आप एक बार पढ़ने के बाद अपने टेक्स्ट बुक को जरूर रीड किए रहोगे टेक्स्ट बुक की रीडिंग करोगे ना तब आपको एक एक मेरे लाइन का मतलब समझेगा अगर आप सोचो कि आपको नोट्स चाहिए तो गाइज नोट्स भी मैं आपको दे रहा हूं उस नोट्स में से अब आप रट्टा मार लो लेकिन कॉन्सेप्ट मैंने वीडियो में बता दिया है तो मैंने गाइज साइंस वन साइंस टू सभी के नोट्स मैंने आपको दे चुका हूँ अगर आपको नोट चाहिए तो आप टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम ठीक है टेलीग्राम एक एप्लीकेशन होता है आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो वहां से जाके आप न्यू इंडियन एरा सर्च करोगे अगर टेलीग्राम में तो वहां पे आपको मेरी सारी नोट्स सा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी बीस के बीसों चैप्टर की साइंस वन की साइंस टू सभी की

मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट और गाइज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फोर्स के बारे में यानी कि फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर समझ गया मतलब कि अगर कोई एक वायर है उसमें से अगर करंट पास हो रहा है तो उसमें फोर्स आता है उसमें फोर्स आता है ऐसा कैसे हो सकता है यही आज हमें देखना है तो देखो मैं आपको चिंदी कॉन्सेप्ट बनाता हूं आपको ठीक है ध्यान देना अच्छे से बहुत चिंदी कॉन्सेप्ट आपको सिखाने वाला हूं बहुत चिंदी कॉन्सेप्ट ठीक है ध्यान देना अच्छे से ठीक है ध्यान दो। मान लो एक वायर है आपके सामने एक वायर है। जो मैं कह रहा हूं उस चीज को थोड़ा फोकस करना ये वायर इसमें से पास हो रहा है करंट। अब जब करंट पास होगा तो राइट हैंड थंब रूल लगाओ और इसके मैग्नेटिक फील्ड इसके अगल बगल प्रोड्यूस होगा ऐसा हमारे फराडे ने बताया था किसने बताया था फराडे ने फराडे एक साइंटिस्ट का नाम था फराडे ठीक है उन्होंने बताया था कि अगर कोई भी कंडक्टर में से करंट पास होता है तो उसके अगल बगल मैग्नेटिक फोर्सेस प्रोड्यूस होते हैं क्या प्रोड्यूस होते हैं मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस इस तरीके की मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस उसके अगल बगल प्रोड्यूस होती हैं बहुत सारी बहुत सारी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस उसके अगल बगल प्रोड्यूस होती हैं ठीक है गाइस सो so अगर देखो ये आपको इमेजिन करना है ठीक है ये मान लो एक वायर है ठीक है ये एक मान लो आपके सामने एक वायर है इस वायर में से अगर करंट पास होगा तो इसके अगल बगल मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस प्रोड्यूस होंगी इस तरीके से हम लोग राइट हैंड थंब रूल से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस का डायरेक्शन पता करते हैं तो इस तरीके से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस प्रोड्यूस होती है इसके अगल बगल ठीक है तो गाइज ये फोर्स की बात कहां से आ रही है ठीक है ये फोर्स की बात को आपको मैं अच्छे से समझाता हूँ कि ये फोर्स की बातें एक्जैक्टली आ किधर से रही है ठीक है तो मैं आपको इस तरीके को अच्छे से समझा देता हूँ देखो तो गाइस अब फोर्स किसमें आ रहा है करंट कैरिंग कंडक्टर करंट कैरिंग कंडक्टर ठीक है यह बात ध्यान देना अच्छे से तो अगर गाइस मान लो एक और वायर एक और वायर में इसके बगल में लाऊं और उस वायर को मैं ऐसे रखूं ऐसा रखूं कि यह मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस को परपेंडिकुलर हो अब देखो जैसे कि मैं यहां पे आपको बताता हूं देखो ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस को परपेंडिकुलर समझ गया अच्छे से इसको परपेंडिकुलर हो समझ गया इस तरीके से इसको ये परपेंडिकुलर होना चाहिए मतलब जब ऐसा लाऊंगा तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस को परपेंडिकुलर होना चाहिए इमेजिन कर रहे हो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस समझ लो एक ये थाली है ठीक है थाली के ऊपर एक ऐसा बांबू रखोगे तो वो परपेंडिकुलर रहेगा ना समझ मान लो एक पट्टी है उसमें रखोगे तो ये ऐसा परपेंडिकुलर रहेगा ना कुछ वैसा ही ये रहता है ठीक है तो यहाँ पे परपेंडिकुलर रहेगा ठीक है चलो तो गाइज यहाँ पे क्या रहेगा परपेंडिकुलर है और इसमें से भी करंट अगर आपका मान लो पास हो रहा है तो अब क्या होगा तो यही चीज है गाइज मान लो अगर एक आपके सामने मैग्नेटिक फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी भी अगर आप वायर को लाते हो कोई भी वायर को लाते हो तो ये वायर में फोर्स एग्जर्ट होता है और वो फोर्स का डायरेक्शन उस मैग्नेटिक फील्ड के टुवर्ड्स ही रहेगा समझ गया मतलब एक फोर्स एग्जर्ट होता है आपकी बुक्स में ऐसा लिखा हुआ है इसलिए मैं कह रहा हूं आपके टीचर को पढ़ाएंगे नहीं। वो आएंगे हाँ, एक मैग्नेट है फोर्स अप्लाई होता है इतना कहकर चले जाएंगे लेकिन मैं आपको डायग्राम के थ्रू आपको समझा रहा हूं ठीक है चलो यहां पे ध्यान दो गाइज अगर मैग्नेटिक फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप किसी भी वायर को रख देते हो तो उसमें क्या होता है फोर्स प्रोड्यूस होता है और यही है कि फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर यह है हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर जिसमें फोर्स एक्ट होता है कौन एक्ट करता है ये एक्ट करता है और उस फोर्स का डायरेक्शन किधर रहेगा उसी कॉइल की तरफ जो उसको अट्रैक्ट करेगा अब मैं किसी चीज में फोर्स लगाऊंगा तो मैं उसको अपने तरफ खींचूंगा ना तो ये जो कॉइल है ये इसने फोर्स अप्लाई किया किसमें इसमें और किधर खींच रहा है अपने तरफ खींच रहा है समझ गया अच्छे से तो ऐसा फोर्स एग्जर्ट होता है अब यही चीज को एक्सपेरिमेंट के बेस पे देखने जा रहे मैग्नेट है। हो कहते, है। कहते हैं कौन सा मैग्नेट कहते हैं ऐसे मैग्नेट को हम हॉर्शू मैग्नेट कहते हैं नॉर्थ एंड साउथ पोल ऐसे रहता है आपने देखा भी होगा टीवी पिक्चर्स में कहीं ना कहीं अब इसमें इसके बीच में गाइस ध्यान देना अच्छे से इसके बीच में इसके मिडल में से हम लोग एक वायर लेके जा रहे हैं इसके मिडल में से हम हम लोग एक वायर लेके जा रहे हैं आपको इमेजिन हुआ होगा आई थिंक है ना तो इसके बीच में से एक वायर हम लेके जा रहे हैं प्लीज समझो ऐसा मैग्नेट है मैग्नेट के बीच में से मैग्नेट के बीच में से हम लोग एक वायर लेके जा रहे हैं और इस वायर ये सपोज वायर है ये एक सपोज ये वायर है अपनी तो इस मैग्नेट के बीच में से गाय हम वायर लेके जा रहे हैं ठीक है इस मैग्नेट के बीच में से हम वायर लेके जा रहे हैं और वायर में से करंट पास हो रहा है तो इस वायर में ना फोर्स प्रोड्यूस होगा ऑटोमेटिकली ना तो मैं अप्लाई करूंगा ना कोई अप्लाई करेगा ऑटोमेटिक इसमें फोर्स अप्लाई होता है यानी कि ए फोर्स अब देखो स्टेटमेंट बोल रहा हूं ए फोर्स इज एक्साइटेड ऑन करंट ये करंट कैरी करके करेंग रखा था ना ए फोर्स मेरी बातों को ध्यान दो ए फोर्स इज एक्साइटेड ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन इट इज प्लेस्ड बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड अब मैग्नेटिक फील्ड बोला तो मैग्नेट रहेगा तभी ना मैग्नेटिक फील्ड आएगा ये मैग्नेट है ना तो यहाँ पे देखो तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी इसकी मैग्नेटिक फील्ड रहेगी इसी मैग्नेटिक फील्ड में मैंने एक कंडक्टर रख दिया जिसमें करंट पास हो रहा है तो इसमें फोर्स इसमेंट होगा या तो इस तरफ या तो इस तरफ किधर ना किधर तो इसमें गाइस फोर्स एग्जैट होने वाला है चाहे किधर भी हो या तो इधर फोर्स प्रोड्यूस हो या तो इधर को फोर्स प्रोड्यूस हो लेकिन फोर्स हंड्रेड परसेंट प्रोड्यूस होगा समझ में आई मैं क्या बोल रहा हूं चिंदी सी बात है यार मतलब कि एकदम सिंपल एक मैग्नेट है और एक करंट एक ऐसा मेटल है एक वायर है जिसमें से करंट पास हो रहा है अगर उसको आप रखते हो मैग्नेट के बीच में तो मैग्नेट मैग्नेट के अगल बगल तो ये तो सबको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड रहेगी ही रहेगी वो मैग्नेट की प्रॉपर्टी है तो अगर आप रखते हो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड में आप रखते हो मैग्नेट के पास से रख रह रहे हो मतलब मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हो किसी भी वायर को जिसमें से करंट जा रहा है तो वो ऑटोमेटिक ऐसी वायर घूमने लगेगी ऐसे फोर्स उसमें प्रोड्यूस होगा धीरे धीरे ऐसे ऐसे मूव करने लगेगी मूव करने लगेगी ऐसी वायर ऑटोमेटिक करने लगेगी तो मतलब फोर्स अप्लाई हुआ तभी ना मूव करने लगी तो वो फोर्स कैसे अप्लाई हुआ चलो हम यही सीखना है आज हमको ठीक है यही चीज हमको आज सीखनी है समझ गया जो की चीज मैंने आपको बता दी तो गाइज आपको पूरी वीडियो देखनी है अच्छे तरीके से आप सब कुछ समझ जाओगे बहुत मजा आएगा आज के टॉपिक में तो देखो इस तरीके से मेरा कुछ सेटअप है मैंने दो स्टैंड ले लिए एक स्टैंड में मैंने अपने हॉर्स्यू मैग्नेट को कनेक्ट कर दिया ठीक है और यहाँ पे मैंने देखो एक पट्टी लगा के रखी ये पट्टी ठीक है ये पट्टी देखो लगा के रखी इसमें से देखो एक वायर आपको दिख रहा होगा मैं पे एक लाइन खींच देता हूं देखो यही मेरी एक वायर है एक वायर देखो मैंने यहां से लगा के रखी है समझ गया होगा आपको मैंने डार्क कर दिया एक वायर यहाँ से जा रही है ठीक है इस तरीके से देखो रेड कर देता हूं मैं चलो ठीक है तो ये एक वायर है ठीक है रेड रेड वाली एक वायर है ठीक है इस वायर को मैंने इस मैग्नेट के बीच में से डाला है बीच में से मैंने डाल के रखा है प्लीज इमेजिन इट ओके मैंने डाल के रखा है और उसमें से देखो मैं करंट पास कर रहा हूं ठीक है कभी मैं ऊपर से नीचे करंट पास कर रहा हूं कभी मैं नीचे से ऊपर करंट पास कर रहा हूं मेरी मर्जी मैं चाहूं जैसे भी करंट पास करूं मुझे सभी में चेक करना है ठीक है तो ये तो हमको पता चल चुका है कि अगर एक मैग्नेट है उस मैग्नेट के बीच में एक करंट कैरिंग कंडक्टर को डालता हूं तो उस करंट करेंट कंडक्टर में फोर्स अप्लाई होता है लेकिन वो फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई होता है 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 हमको ये चेक करना ठीक है, है? तो गाइस वो करंट का डायरेक्शन डिपेंड करेगा करंट मतलब जो आ, जो फोर्स होगा वो किस डायरेक्शन में फोर्स मतलब फोर्स का डायरेक्शन किस कि तरफ होता है तो वो जो फोर्स का डायरेक्शन है वो डिपेंड होता है करंट के डायरेक्शन के ऊपर अब अगर ऊपर से नीचे करंट आ रहा है तो अलग डायरेक्शन रहेगा नीचे से ऊपर जा रहा है तो अलग डायरेक्शन रहेगा इसी डायरेक्शन को आज हमें सीखना है ठीक है तो चलो गाइज हम लोग सीखना स्टार्ट करते हैं ठीक है अब यहां पर ध्यान देना तो करंट देखो हमने कैसे कंडक्टर रखा आपको दिखा देता हूं देखो कुछ इस तरीके से आपको अभी शायद समझेगा ये है हमारा हॉर्सु मैग्नेट और ये है हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर ठीक है ये हमारा मैग्नेट है और ये हमारा कॉपर की वायर है जिसे हम कंडक्टर कहते हैं जिसमें से हमारा करंट पास हो रहा है आई होप कि अभी आपको समझ में आया होगा और ये नॉर्थ से साउथ की तरफ हमारी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस जा रही है और उसके बीच में हमने करंट को कर मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर को डाल दिया है यानी इसमें से करंट पास हो रहा है समझ गया इसमें से करंट पास हो रहा है और उसके बीच में मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस हैं मैग्नेट के बीच में मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस प्रेजेंट है ठीक है ये बातें आपको जान के रखनी है ठीक है कुछ ऐसा रखा है तो ये जो ये जो हमारा कंडक्टर है इसमें फोर्स प्रोड्यूस होगा अब किस तरीके से होगा हम ये जानते हैं ठीक है बहुत ही मजा आने वाला है गाइस बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है ठीक है चलो अब हम फोर्स के डायरेक्शन को चेक करने जा रहे हैं गायज हमने इसके पहले सीखा था कि अगर कोई कंडक्टर है कंडक्टर में से अगर करंट पास होता है तो उसके अगल बगल मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस प्रोड्यूस होती हैं तो जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस प्रोड्यूस होती हैं उसके डायरेक्शन को हम राइट हैंड थंब रूल से पता कर रहे थे लेकिन अब हमने सीखा कि अगर एक मैग्नेट के बीच में अगर हमने करंट कैरिंग कंडक्टर को डाल दिया तो उसमें फोर्स भी प्रोड्यूस होता है तो फोर्स का डायरेक्शन किधर को रहेगा हमको अब वो चेक करना है मैग्नेटिक तो फील्ड को चेक करने के लिए राइट हैंड थंब रूल लेकिन अभी एक और रूल आने वाला है जिसकी वजह से हम फोर्स के डायरेक्शन को चेक करेंगे लेफ्ट हैंड रूल नॉट थंब ओके ठीक है तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल गाइस हम जानने वाले हैं फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल अब ये रूल कहता क्या है आपको ये दिखाता हूं मैं ठीक है बहुत अच्छे तरीके से आपको समझना है आपको भी मेरे साथ साथ ऐसे प्रैक्टिकल प्रैक्टिस को परफॉर्म करना है आपको लेफ्ट हैंड ले लो या आपका लेफ्ट हैंड है आपको मैं डायग्राम दिखाता हूं ठीक है यहां पे डायग्राम देख लो लो अच्छे से लेफ्ट हैंड ले लो ऐसा और इसको इस तरीके से करो और फिर ऐसा कर लो प्लीज डू लाइक दिस ओके मैं आपको थोड़ा सा आप इसको बड़ा कर देता हूं ठीक है मैं अपने आप, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ चलो इस तरीके से अभी आपको प्लीज यहाँ पे मेरे साथ साथ फोकस करना है ऐसे हाथ खोलो और इसको ऐसा कर दो ऐसा अभी आपको आई थिंक दिख रहा होगा इस तरीके से आप कर लो ठीक है आप इस तरीके से हाथ को कर लो लेफ्ट हैंड को अपने ऐसे कर लो ठीक है चलो अभी मैं आपको यहां पे सिखाता हूं एकदम बेस्ट तरीके से किस तरीके से आप सारी चीजों को समझ सकते हो ये आपको अभी यहाँ पे जानना है ठीक है तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल किस लिए यूज किया जाता है पहले ये बताओ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हमारा यूज किया जाता है टू चेक टू चेक द डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ फोर्स produced produced on current carrying current carrying conductor current carrying conductor समझ गया जो conductor current को carry करके रखता है उसमें जो force produce होता है उस force के direction को check करने के लिए Fleming का left hand rule use किया जाता है अब इसको कैसे बोलोगे कि uh, let's take a three fingers that is thumb index finger and middle finger आउट स्ट्रेच इट एज अ परपेंडिकुलर यानी कि सारे सारे फिंगर्स परपेंडिकुलर हो आप एक बार रीड तो कर लोगे ना मैंने नोट्स वैसे भी दिए हैं आपको तो नोट्स जब देखे रखा तो कॉन्सेप्ट नोट्स से पढ़ लेना टेलीग्राम ज्वाइन कर लो नोट्स मिल जाएगा तो इस तरीके से आप देख लो अच्छे से ठीक है दिस इज दी आ, ऐसे आउट स्ट्रेच करना है अब ये फिंगर्स का चीज सीख लो कि कौन सी फिंगर क्या दिखाती है तो जो हमारा थम्ब है थम्ब 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 ये थम्ब दिखाता है फोर्स ऑन द कंडक्टर मतलब थम्ब हमारा दिखाएगा किधर फोर्स है डायक्शन दिखाएगा डायरेक्शन क्या दिखाएगा मैग्नेट में हमने रखा था ना कंडेक्टर को इस कंडक्टर को हमने मैग्नेट में रखा था ना तो मैग्नेटिक फील्ड भी रहेगा ना इसमें तो मैग्नेटिक फील्ड भी रहेगा ना गाय जिसमें तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये दिखाएगा एंड ये जो है ये वाली जो ये वाला जो हमारा फिंगर है ये जो फिंगर है हमारा मिडल वाली तो guys, ये मिडल फिंगर दिखाएगी डायरेक्शन ऑफ करंट को किधर को करंट जा रहा है डायरेक्शन ऑफ करंट को आपको एग्जाम में ये नहीं बनाना है आपको एग्जाम में ये बना के आना है ठीक है आपको दो से तीन मार्क्स को ये एग्जाम में आता है आपको ये वाला बनाना है एग्जाम में चलो अब मैं आपको दिखाता हूं तो ये मिडल फिंगर करंट ये मैग्नेटिक फील्ड ये फोर्स ठीक है चलो अब इस चीज को मैंने आपको इसी में आपको अप्लाई करके दिखाता हूं ठीक है इसी में अप्लाई करके दिखाता हूं देखो ध्यान से सपोज करंट ऐसे आ रहा है इमेजिन करना करंट ऐसे आ रहा है मैंने पहले ही बोला है कि फोर्स करंट के ऊपर डिपेंड रहेगा चलो दिखाता हूं आपको सपोज करंट ऐसे प्रोड्यूस हो रहा है ये बात आपको ध्यान देनी है करंट ऐसे प्रोड्यूस हो रहा है ठीक है करंट ऊपर से नीचे आ रहा है और उसी क्वाल को मैंने मैग्नेट के बीच में रख दिया और मैग्नेट की जो फील्ड है वो इस तरीके से है मैग्नेट की जो फील्ड है वो मतलब अपना मैग्नेटिक फील्ड है इस तरीके से चलो अप्लाई करते हैं अभी अप्लाई करते हैं तो गाइज ये हमारा फोर्स दिखाता है ये हमारा करंट दिखाता है मिडल वाली फिंगर हमारी करंट दिखाती है तो मैं ऐसे नीचे रखूंगा ना मैं नीचे करूंगा ना ऐसे नीचे ध्यान देना अच्छे से प्लीज लिसन टू मी ओके मैं नीचे रखूंगा ना क्योंकि मेरी मिडिल फिंगर नीचे की तरफ जाएगी मेरी मिडिल फिंगर नीचे जाएगी ना देखो मैंने नीचे की तरफ डाल दिया नीचे की तरफ डाल दिया ठीक है एंड मेरी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है तो मेरी मिडिल फिंगर देखो नीचे है यानी करंट मेरा नीचे जा रहा है मेरी सामने वाली जो इंडेक्स फिंगर है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ ऐसे रहेगी तो मेरा जो फोर्स है वो इस तरफ जा रहा है यानी कि ये जो इल है ये जो मेरा कंडक्टर है वो इधर को जाएगा फोर्स इधर बाहर की तरफ निकलने वाला है यानी कि हल्का सा अपनी जो क्वाइल अपना जो कंडक्टर होगा वो हल्का सा ऐसे बैंड हो जाएगा हल्का सा ऐसे बैंड हो जाएगा रियलिटी में कैसे होना चाहिए था ऐसे होना चाहिए था रियलिटी में तो अब क्या होगा हल्का सा ये बैंड हो जाएगा इस तरफ समझ गया क्या तो मिडल फिंगर देखो मिडल फिंगर देखो करंट जो है अपना करंट नीचे और ये फिंगर देखो मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड सामने तो फोर्स किधर को रहेगा इस साइड को फोर्स, तो फोर्स मतलब मान लो वही मैं करंट के डायरेक्शन को चेंज कर दू तो नीचे से ऊपर कर दूंगा तो अगर मैं नीचे से ऊपर कर देता हूं करंट को तो अब ध्यान देना करंट मेरा ऊपर रहेगा तो जब मेरा करंट ऊपर रहेगा ध्यान देना अच्छे से प्लीज लिसन टू मी जब मेरा करंट ऊपर को रहेगा ध्यान देना अच्छे से जब मेरा करंट ऊपर रहेगा ध्यान दो अच्छे से तो देखो करंट मेरा ऊपर है मिडल फिंगर मिडल फिंगर करंट दिखाता है मिडल फिंगर करंट दिखाता है बात ध्यान रखना अच्छे से और यह बात आपको समझ थोड़ा सा मेरा हाथ को बैंड करना पड़ेगा यहां आप इमेजिन करना और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ से साउथ जा रही है मैग्नेटिक फील्ड आपकी नॉर्थ से साउथ जा रही है और करंट आपका ऊपर है ये बात थोड़ा ध्यान दो अच्छे से करंट आपका ऊपर है ये बात थोड़ा सा आपको समझ के रखनी है ओके माय डियर चलो तो अब ध्यान देना अच्छे से तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ है एंड जो करंट है वो ऊपर की तरफ जा रहा है तो मिडल फिंगर देखो करंट ऊपर की तरफ जा रहा है मिडल फिंगर देखो करंट ऊपर की तरफ जा रहा है ठीक है मैग्नेटिक फील्ड भी सामने सामने है लेकिन ये देखो तो ये जो फिंगर है ये आपको दिख रहा होगा ये मेरी फिंगर ये अभी उल्टा है पहले ऐसे में ऐसा था ऐसा था ना ऐसा अब कैसा है अब ऐसा है अब ऐसा है अब मतलब की अपना हल्का से इधर की तरफ चला जाएगा हल्का सा ये इधर को हल्का सा बेंड हो जाएगा इधर बेंड होगा मतलब रियलिटी में ऐसा होना चाहिए था लेकिन अभी किधर को बेंड हो गया अभी हल्का सा इधर को ऐसे बेंड हो गया मतलब हल्का सा इधर फोर्स जाने वाला है इस तरीके से गाइज फोर्स एग्जीक्यूट होता है या फिर प्रोड्यूस होता है एग्जर्ट होता है ऑन दी कंडक्टर समझ गया वेन वी प्लेस इट ऑन मैग्नेटिक फील्ड तो अब आपको यहाँ पे समझ गया होगा अच्छे से देखो यहाँ पे डॉटेड लाइन अगर करंट ऊपर से नीचे को आता है तो अगर नीचे से ऊपर से नीचे को आएगा तो हमारा फोर्स इस तरफ अप्लाई होगा और अगर करंट नीचे से ऊपर को गया देखो यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे से ऊपर को गया तो हमारा जो कर आ, मतलब वायर रहेगी वो इधर को बेंड हो जाएगी मतलब गाइज इस तरीके से हमारा सारी चीजें ये अप्लाई होता है ये चीजें आपको समझ के रखनी है अच्छे से ठीक है ये बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी हमारे कॉन्सेप्ट के लिए आई होप गाइज आपको अच्छे से समझ में आया होगा यही चीज जो यहाँ पे फंडा है ना यही चीज को मैंने आपको यहाँ पे समझाया वो एक ही बात है

और आपका जो मतलब मैग्नेटिक फील्ड वो ऐसा रहेगा तो फिर करंट ऐसे जाएगा मतलब आपका फोर्स ऐसे रहेगा तो आपका फोर्स ऐसा रहेगा समझ गया तो अंदर की तरफ ये वाली कंडीशन आ जाएगी तो इस तरीके से मतलब आपने सीख लिया लेकिन बस इतनी सी बात याद रखो कि अगर किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखते हो तो उसमें फोर्स एग्जर्ट होता है ये बात आपको जानकर रखनी है और गाइस इस फोर्स के डायरेक्शन को हम लोग फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से याद रखना अच्छे से फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से डायरेक्शन ऑफ़ फोर्स को हम पता करते हैं बस इतनी बातें आपको जान के रखनी है। अब हम इसका एप्लीकेशन सीखने वाले हैं मतलब की सोचो अभी तो हमने छोटे से एरिया में सीखा है मतलब छोटे से फील्ड में अभी गाइस हमने सीख के रखा है अभी गाइस हम लोग सीखने वाले हैं इसका एप्लीकेशन को मतलब देखो अभी हमने बच्चू सा थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड रखा था थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड हमारे जो कंडक्टर थी उसमें थोड़ा सा करंट हमने पास किया एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए अगर हम इसको लार्ज अमाउंट में करें बहुत ज्यादा करंट पास किया जाए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हो तो क्या होगा तो क्या होगा गाइस तो हम लोग अभी पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक मोटर का कंडीशन तो हमारा इलेक्ट्रिक मोटर इसी प्रिंसिपल पे बनती है आपने गाइस देखा भी होगा कि हमारे इलेक्ट्रिक मोटर में ये जो चीज होती है ये बहुत फास्ट मूव किया करती है आपने इसको देखा होगा ये बहुत फास्ट मूव करता है ऐसा क्या है कि ये मूव करता है ऐसा कुछ अंदर जादू लगा होता है मूव करता है नहीं अंदर सिर्फ इस पूरे मटेरियल के मैं भी सोचता था कि आखिर इसके अंदर होता क्या है जो मूव करता है ऐसी कौन सी चीज है जो इसको मूव करवा देती है ठीक है तो गई मैं ये सोचता था लेकिन बाद में पता चला कि इसके अंदर सिर्फ इतनी सी बात है कि इसके अंदर सिर्फ एक मैग्नेट होता है और मैग्नेट के बीच में जो भी हमने सीखा उसी तरीके से क्वाइल होती है ये जो कंडक्टर है वही मेरी क्वाइल है वो यही चीज है वो कंडक्टर ये मोटा सा जो सलिया लगा है ना यही आपकी क्वाइल है और इसी को हम मैग्नेट के बीच में रखते हैं और इसमें से हम करंट पास करते हैं जब हम करंट पास करते हैं तो इसमें फोर्स एग्जर्ट होता है और ये फोर्स की वजह से ये कॉइल घूमने लगती है और यही फिर बाहर भी थोड़ा सा हम बाहर निकाल देते हैं जिससे कि ये घूमते रहे और इसी चीज में हम यहाँ पे फिर कुछ कनेक्ट कर देते हैं तो वो भी हमारे सामने वाला चीज भी घूमने लगता है तो ऐसे इलेक्ट्रिक मोटर का फंडा है गाइस और यही हमारा कंडीशन होती है इलेक्ट्रिक मोटर की तो फाइनली हम अभी देखते हैं ऐसे ही हमारा देखो फैन का भी देखो वो चीजें घूमती है वो भी है हमारे जितने फैन होते हैं तो मतलब देखो कितनी अच्छी चीजें ना यार ये घूमने लग गया मतलब सिर्फ किसकी वजह से थोड़े से मैग्नेट और थोड़े से इलेक्ट्रिसिटी की वजह से सिर्फ देखो ये पूरा फोर्स एग्जर्ट हुआ और ये घूमने लग गया मतलब यहाँ पे चल क्या रहा है ठीक है अभी देखो ये मशीन काम करने लग गई किसकी वजह से चल रही है काम कर रही है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मतलब इसमें होता क्या है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो कन्वर्ट होती है मैकेनिकल एनर्जी में मैकेनिकल मतलब मशीन वाली एनर्जी में मैकेनिकल एनर्जी में यानी कि इलेक्ट्रिक मोटर का सिर्फ प्रिंसिपल यही है कि इट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी दिस इज प्रिंसिपल दिस इज प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर ठीक है ये बात आपको ध्यान रखनी है तो एज वी नो दैट गाइस कि अगर कोई कंडक्टर में से करंट पास होता है उसको अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो उसमें फोर्स एग्जैक्ट होता है तो ऐसा कुछ हम लोग सेटिंग करते हैं कि यह गोल गोल घूमे ये गोल गोल रोटेट हो

कौन करता है ऐसा इलेक्ट्रिक मोटर करता है तो ये था कैसे सब बना होता है, तो -पट है? तो मैग्नेट होता है वही हॉर्शो मैग्नेट है ये हमने सामने पे देख रहे हैं इसको फ्रंट व्यू पे देख रहे हैं देख रहा है। हम अभी स्ट्रक्चर को देखने जा रहे हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर को देखने जा रहे हैं यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे नॉर्थ एंड साउथ पोल टू पोल्स ऑफ द मैग्नेट हम लोग एक क्वाइल का इस्तेमाल करते हैं जो कि एक रेक्टेंगुलर क्वाइल होती है रेक्टेंगुलर क्वाइल का हम गाइज इस्तेमाल करते हैं यानी कि देखो एक आप देख सकते हो ये इस तरीके से क्वाइल रेक्टेंगुलर क्वाइल का हम इस्तेमाल करते हैं ए बी सी डी बहुत सारे बच्चे बोलेंगे ये क्वाइल ये क्वाइल क्या होता है क्वाइल कुछ और नहीं गाइज एक, एक तांबे की वायर होती है एक कॉपर की वायर होती है जो इस तरीके से रेक्टेंगल शेप में रहती है इस तरीके से जो रेक्टेंगुलर शेप में रहती है बस यही चीज आपको जान के रखनी है ठीक है और गाइज उसी क्वाइल को हम लोग एक यहां पे आप देख सकते हो एक एक्सिस से कनेक्ट करके रखते हैं यही एक्सिस जानते हो क्या है यही एक्सिस हमारी ये चीज है देखो यहां पे जो ये रोटेट करता है ये आपको दिख रहा है ना ये सलिया क्या तो निकला है यही चीज हमारी एक्सिस होती है ये क्वाइल घूमेगी तो ये एक्सिस भी घूमता है ये बहुत तेज घूमता है और इसी में अगर हम कोई चीज कनेक्ट कर देंगे तो वो भी मेरा घूमने लगेगा यही पूरा फंडा रहता है इलेक्ट्रिक मोटर का

कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में किसी क्वाइल को रखते हो जो कि करंट कैरी करके रखी हो तो वो घूमने लगता है या उसमें फोर्स अप्लाई होता है अब बस सिर्फ हमारा काम इतना है कि किधर को फोर्स अप्लाई हो रहा है वही हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे और चेक कर लेंगे ठीक है तो करंट को डालने के लिए हमने यहाँ पे बैटरी इस्तेमाल की है समझ गया और एक सर्किट वगैरह लगाया है इस एक्सिस को घुमाना है और इसी एक्सिस से हमने क्वाइल को अटैच कर दिया और उस क्वाइल को हमने मैग्नेट के बीच में रखा है जिससे कि वो घूमने लगे मैग्नेटिक फील्ड में रखा है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेट ही प्रोड्यूस करते हैं तो इसलिए गाइस ठीक है तो ये सारा कॉन्सेप्ट है चलो अब हम सीखने जा रहे हैं किस तरीके से मूवमेंट होने वाला है ठीक है चलो अभी हम लाइन से देखेंगे गाइस ओके तो वी नो दैट कि जो मैग्नेटिक फील्ड होने वाली है वो नॉर्थ से साउथ में हमेशा एफे एफे जाती है ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड होने वाली है ये बात ध्यान रखना अच्छे से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही रहेगी बार बार नहीं बोलूंगा आपको अब चलो ध्यान देना अच्छे से समझने का ये कॉइल कैसे मूव करेगी हम ये जानते हैं ठीक है चलो ध्यान दो अभी बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से समझना हमारा करंट ऐसे जाएगा देखो ये करंट जा रहा है ध्यान दो जरा अच्छे थोड़ी सी बातों को मेरे समझने का ठीक है करंट ऐसे जाएगा थोड़ा सा मैं बड़ा हो जाता हूं जिससे कि आपको समझाने में मजा आए ठीक है थीके? ध्यान देना करंट यहां से जाएगा इस तरीके से ए से बी में जाएगा फिर बी से सी में करंट जाएगा फिर सी से डी में आएगा फिर डी से जाके यहां से करंट निकल जाएगा बाहर को ठीक है तो करंट जा रहा है क्वाइल है अपना ए बी सी डी क्वाइल है उसमें से करंट जा रहा है कंस्ट्रक्शन समझ गए ना पूरा वर्किंग दिख रहे हैं हम लोग ठीक है तो यहां से कॉइल जा करंट जा रहा है कॉइल में से पहले ए के पास जाएगा करंट फिर बी के पास जाएगा ध्यान देना अच्छे से जब कॉइल करंट ए से बी में जा रहा होगा करंट मिडल फिंगर करंट दिखाती है ठीक है और ये फिंगर मैग्नेटिक फील्ड दिखाती है तो थंब फोर्स ऑटोमेटिक दिखाएगा ऐसे आउट स्ट्रेच करो अपने हाथों को मेरे साथ साथ करना प्लीज ठीक है अब चलो अब हम करंट के डायरेक्शन को देखते हैं मेरी मिडिल फिंगर करंट है ए से बी में जा रहा है ना थोड़ा प्लीज हाथ घुमा के कर सकते हो ऐसे बी में मिडल फिंगर को ऐसा लगाओ आप हाथ में बुक में रख सकते हो ऐसा रखो करंट ए से बी में जा रहे हैं ना पहले करंट यहीं फिर जाएगा ना तो मिडल फिंगर को ऐसा रखो ध्यान देना अच्छे से हा? चलो तो अभी ध्यान से आपको समझना है सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से बहुत मजा आने वाला है ठीक है तो ये जो फिंगर है आपका ये क्या दिखाने वाला है मैनेडिक फील्ड आपका मैनेडिक फील्ड ऐसा जा रहा है तो करंट आपका कैसा होना चाहिए तो करंट आपका ध्यान दो अच्छे से गाइस आपका करंट थोड़ा हाथ उल्टा कर लेना थोड़ा कर अभी हाथ उल्टा कर, सकते हो ना यार तुम लोग तो लेनाटिक फील्ड को ऐसा करो ये फिंगर मैग्नेटिक फील्ड दिखाना चाहिए ऐसा आपका करंट ऐसे जाना चाहिए आपका करंट ए से बी में जाना चाहिए तो जो जो ये, ये ये, जो थंब है, थंब आपका आपका है फोर्स दिखाएगा मतलब यहां पे देखो अभी आप समझ सकते हो ये फोर्स ऊपर जाने वाला है मतलब आपका मैग्नेटिक फील्ड अब देखो ना थोड़ा सा इमेजिन करो ना ऐसा इमेजिन करो ना मतलब ऐसा कुछ प्लीज प्लीज जस्ट हाथ अपने घुमाओ बेंड करो अपने हाथ को ठीक है तो ये मैग्नेटिक फील्ड ये आपका मिडल फिंगर करंट के डायरेक्शन में आप रख दो और यह आपका फोर्स दिखाएगा तो जो सा ऐसा बेंड हो, है? है हो जाएगा मतलब की जैसे ही कॉइल में हमने करंट पास किया और मैग्नेट के बीच में उसको हमने पहले से रखा था क्योंकि मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही थी तो वैसे ही जो मेरा कॉइल था वो क्वाइल में फोर्स एग्जैक्ट होता है यह हम शुरू से देखते आ रहे हैं ठीक है अब हमने क्वाइल इस्तेमाल किया है पहले हम एक वायर लेते थे अब हमने कॉयल इस्तेमाल किया है ठीक है तो अब ए से बी में जब हमारा करंट जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड हमारा ऐसे था मैग्नेटिक फील्ड हमारा ऐसे था तो हमारा फोर्स ऊपर की तरफ रहेगा ना फोर्स ऊपर की तरफ रहेगा ना तो अब आप यहाँ पे अच्छे से देख सकते हो हमारा फोर्स ऊपर की तरफ जा रहा है समझ गया यानी कि जो मेरी पहले क्वाइल थी वो ऐसे थी अब यह हल्का सा ऐसे हो जाएगी हल्का सा ऐसे हो जाएगी क्वाइल थोड़ा सा घूमी क्वाइल जब थोड़ा सा घूमेगी तो वही एक्सिस इससे भी कनेक्टेड है तो एक्सिस भी ऐसा हल्का सा घूम जाएगा चलो आगे बढ़ते हैं अब हमारा करंट वहां से घूम के ऐसे ऐसे करके इधर पे आएगा इधर पे आएगा सी से डी की तरफ जाएगा जब उधर से आएगा तो अब हमको ऐफा देखना पड़ेगा ऐफा देखना पड़ेगा समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो और मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे ही रहने वाला है नॉर्थ साउथ ही रहने वाला है तो मैग्नेटिक फील्ड करंट तो ये जो हमारा देखो फिंगर है देख रहे हो ना ऐसा ऐफा आ रहा है ना अभी मैग्नेटिक फील्ड ये हमारा ये ये मिडल फिंगर करंट और ये हमारा नीचे थम्ब फोर्स तो थम्ब हमारा नीचे की तरफ इस बार है थम्ब हमारा नीचे की तरफ है जब नीचे की तरफ हमारा थम्ब है तो मतलब फोर्स नीचे जा रहा है मतलब देखो इमेजिन करो ये हमारी क्वाइल है एक तरफ से एक तरफ से फोर्स ऊपर के लिए लग रहा है और एक तरफ से नीचे के लिए लग रहा है एक तरफ से ऊपर के लिए लग रहा है एक तरफ से नीचे के लिए लग रहा है समझ रहा है यानी कि अब आपको इमेजिन समझ गया होगा ये मेरी क्वाइल दिस इज दी माई क्वाइल इधर से ऊपर की तरफ तो ये वाला नीचे की तरफ ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसा मतलब तो तो कॉइल ऐसे रोटेट करने लगेगी ना डर ऐसे रोटेट करेगी कि नहीं करेगी समझ में आया मेरी बातें इधर से जा रहा है तो कॉइल देखो ऐसे कॉइल है इधर से जा रहा है तो ऐसे हो जाएगी लेकिन ये वाले पार्ट में ये मेरे फिंगर को देखो ये वाले पार्ट में क्या होगा ऐसे होगा फिर ऐसे होगा ऐसे 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 अब हाथ नहीं तोड़ लूंगा आपका मेरा ठीक है समझ रहे हो ना तो ऐसा है कॉइल तो ऐसे बार बार घूमते रहेगी अब जब जितना ज्यादा करंट प्रोड्यूस करोगे उतना ज्यादा कॉइल फास्ट घूमेगी और जितना ज्यादा फास्ट कॉयल घूमेगी उतना ज्यादा वो ई e और एफ वाला जो एक्सिस है बहुत फास्ट रोटेट होगा और उसमें से हम कुछ भी कनेक्ट करेंगे तो वो भी मेरा घूमने लगेगा और आपने देखा होगा बड़ी बड़ी मशीनों में ये घूमने वाली चीजें जैसे ड्रिलिंग मशीन है है ना फैन की मशीन वो गोल गोल घूमता है वो सब ऐसे ही काम करता है कोई बड़ी चीज नहीं होती तुम भी बना सकती हो एक मैग्नेट रखो सामने कॉयल को रख दो और सामने एक सर्किट लगा दो जो तुम्हारे घर से करंट मारते हो ना इसीलिए बिना लाइट का फैन नहीं चलता है

समझ गया चलो तो ये सारी चीजें काज हमारा कॉन्सेप्ट था वर्किंग और स्ट्रक्चर और हमने प्रिंसिपल सब सीख लिया ठीक है चलो अब गाइज हमारा एक और लास्ट कॉन्सेप्ट है एक सबसे लास्ट कॉन्सेप्ट है इसी को थोड़ा फटाफट सीख लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक नया कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा सा नया कॉन्सेप्ट अब हम करंट के प्रोडक्शन की बात करने वाले हैं करंट प्रोडक्शन करंट प्रोडक्शन अब देखो मैं आपको सिंपल सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दिखाता हूं मैग्नेटिक मीनस मैट, इलेक्ट्रो मीन इलेक्ट्रिसिटी इंडक्शन मतलब ध्यान दो इंग्लिश का मतलब है, इसका मतलब सीख लो क्या होता है इंडक्शन मतलब किसी के बिना कुछ दिए किसी के बिना कुछ दिए ऑटोमेटिकली उसमें कोई चीज आ जाना जैसे कि मान लो एक ये इंसान है और ये एक दूसरा इंसान है ठीक है इसको इसके पास कोई भी चीज है अमाउंट है एनर्जी ताकत कुछ भी है ये इसको बिना टच भी नहीं कर रहा है इसको ए एक इंसान है और बी इंसान है ए के पास कोई ताकत है इसने बी को टच भी नहीं किया फिर भी उसकी ताकत बी के पास आ गई तो इसको मैं इंग्लिश में क्या कहूंगा द एनर्जी ऑफ ए इज इंड्यूस्ड ऑन द एनर्जी ऑन एनर्जी ऑफ बी समझ गया ऐसा मैं बोलूंगा मतलब बी ने एनर्जी को इंड्यूस कर लिया फ्रॉम द ए इंड्यूस मतलब होता है कि किसी की कुछ भी चीज को ले लेना किसी में कुछ चीज आ जाना बिना टच किए बिना टच किए उसमें कुछ चीज आ जाना इंड्यूस हो जाना समझ गया ये बात आपको समझ गया चलो अब देखो यहाँ पे तो मेरे पास एक बार मैग्नेट है अब देखो आपको समझाता हूं इलेक्ट्रो मैग्नेटिक मतलब की एक रूल है ऐसा तुम रियल में घर में कर सकते हो ऐसा होता है किसने इसको सबसे पहले पढ़ा था फराडे ने पढ़ा था फराडे फराडे आपका नाम पता होगा माइकल फराडे ठीक है चलो हम देखते हैं इन्होंने क्या बोला था हमारे पास सपोज एक मैग्नेट है नॉर्थ एंड साउथ पोल वाला मैग्नेट है इसमें से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस निकल रही है यह हम लोग को मालूम है देखो ऐसा आपको कोई नहीं पढ़ाएगा प्लीज सब्सक्राइब चैनल को कर लेना कुछ नहीं मिलने वाला आपको उसमें से फ्री ऑफ कॉस्ट है चलो तो देखो यहाँ पे तो ये आपके पास मैग्नेट है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस थी मैग्नेट है मैंने, मैंने, मैंने एक यहां पे ऐसे को ले लिया ठीक है ऐसे एक मैंने वायर ले ली वायर ठीक है चलो मैं वायर लेता हूँ ढंग से वायर लेता देखो मैंने एक वायर ले लिया ठीक है एक वायर मैंने ले लिया ओके इस वायर को मैंने उसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया अब देखना कैसे आएगा तो देखो ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस थी, जो कि कर रहा था, है ना और अभी ये एक वायर थी से कुछ भी नहीं था अगर ऐसा समझ गया ये वायर को अगर मैं मूव करता हूं ध्यान देना अच्छे से तो अगर मैं गाइस मूव करूंगा इसे हल्का सा बाहर की तरफ खींचता हूं वायर को पहले पास में लाऊं फिर खींचूं तो क्या होगा क्या होगा पहले देखो तीनों मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस इसमें थी पहले तीनों मैग्नेटिक तीन तीन मैग्नेटिक लाइन ऑफ मैंने बनाई है ना आप चार पांच हजार करोड़ कितना बना सकते हो तो पहले तीन के तीनों उस कंडक्टर में अटैच थी जब मैं उसको बाहर खींचूंगा तो फिर वो यहां से आ जाएगा तो सिर्फ दो ही अटैच रहेंगी फिर एकदम और बाहर खींच लूंगा तो और आ जाएगी एक ही आ जाएगी यानी कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस चेंज हो रही है उस कंडक्टर के लिए पहले तीन तीन थी फिर बाहर खींचे तो दो हो गई फिर एक हो गई फिर अंदर देता हूं तो फिर एक थी फिर दो हो जाएगी फिर तीनों अटैच हो जाएंगी मतलब मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स चेंज हो रही जब मैं हिलाता हूं बाहर लेता हूं या अंदर देता हूं कंडक्टर को तो तो गाइस यही चीज अगर मैं करता हूं ना तो जानते हो क्या होता है तो इलेक्ट्रिकसिटी इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस होती है इस इस वायर के अंदर अगर मैं मैग्नेटिक लाइन ऑफ अब इमेजिन करना अगल बगल ऐसे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस दीज आर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस ठीक है पहले मैंने वायर को रखा इस तरीके से तो तीन के तीनों तीन के तीनों मैनेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस इससे अटैच है ठीक है चलो अब मैं क्या कर रहा हूं ध्यान देना अच्छे से थोड़ा सा मैं इस कंडक्टर को ऊपर बाहर खींच रहा हूं यानी हिला रहा हूं मैं अभी मूव कर रहा हूं समझ गया तो देखो अब क्या हो जाएगा यहां पे सिर्फ दो ही आ गई मैं और अगर मूव करूं तो इट्स माई चॉइस ठीक है ध्यान दो अच्छे से तीन थी ना तो अब तीनों में से और मूव करूंगा तो सिर्फ एक ही रहेगी समझ गया फिर मैं अंदर दूंगा तो फिर से ये दो में आ जाएगी फिर तीनों में आ जाएगी यानी कि ये जो मेरा कंडक्टर है इस कंडक्टर में क्या होने वाला है इस कंडक्टर में जो मेरे पास कंडक्टर जो मेरी, मेरी जो है वो वायर में मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस चेंज हो रही है इतनी चिंती सी बात है मैग्नेट के बगल में ला रहे हो बस उसको मूव कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली करंट इंड्यूस होता है ऑन दिस वायर ऑटोमेटिकली करंट इंड्यूस होता है उसमें थोड़ा सा करंट आ जाता है ऑटोमेटिक करंट प्रोड्यूस होता है बड़े बड़े पावर प्लांट में बड़े बड़े पावर प्लांट में ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है इंड्यूस करके आप इसको साइंस के चैप्टर नंबर ग्रीन एनर्जी में पढ़ोगे कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है तो एक बात समझ गई अच्छे से कि अगर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस को अगर आप चेंज करते हो चेंज ही हो रहे ना पहले तीन दिया फिर दो कर दिया फिर दो तीन कर दिया तो आप ये दो तरीके से कर सकते हो या तो खुद मैग्नेट को भी हिलाओ मैग्नेट को चेंज करोगे और कंडक्टर को वैसे ही रखो तो भी उसके लिए ती, दो, तीन चार एक ऐसा हो सकता है और या तो फिर ये क्वाल को ही घुमाओ ये वायर को ही आप इधर से उधर हिला सकते हो तो भी क्या हो सकता है तो भी आपका पूरा वो मैग्नेटिक मैग्नेटिक जो लाइन ऑफ फोर्सेस है वो भी चेंज होगी तो बस अगर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस चेंज हुई ना किसी भी वायर के लिए तो उसमें करंट इंड्यूस होता है उसी वायर में यही होता है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन का फोर कंडीशन का राइज होता है कि उस करंट जो इंड्यूस हुआ उसमें उसका डायरेक्शन किधर को रहेगा उसका डायरेक्शन किधर रहेगा तो अब आपको बताता हूं गाइस देखो ध्यान देना एक अच्छे से एक लॉ है मतलब देखो यह बात तो हमने सीख लिया कि अगर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस चेंज होती हैं मैं जो शब्द बोल रहा हूं उसको याद कर लो कोई मैग्नेट है उसमें से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स निकलती है उसमें अगर मैं कोई कंडक्टर यानी वायर को रखता हूं अगर मैं वायर को रखता हूं और फिर अगर मैं उस मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को चेंज करूं तो वायर में ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक करंट इंड्यूस होता है ऑटोमेटिक करंट आ जाता है समझ गया तो इसी लॉ को इसी लॉ को ने दिया था और ऐसे लॉ को फराज लॉ ऑफ इंडक्शन हम हम कहते कहते हैं हैं क्या लोग फराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन कहते हैं क्या कहते हैं है। है ऐसे लॉ को गाइस हम लोग फराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन कहते हैं फराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन जानते हो क्या अगर मैं इंग्लिश में बोलूं तो तो यहां पे देखो मैं लिख देता हूं whenever, whenever, ध्यान देना अच्छे से नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज वेन एवर दंबर ऑफ मैग्नेटिक मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस आप समझ गया होगा मैगनेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्या होती है पासिंग थ्रू द्वाइल अब वही क्वाइल है जो आपकी वाई वायर पासिंग थ्रू द क्वाइल क्वाइल चेंजेस क्वाइल चेंजेस करेंट इज इंड्यूस्ड चेंज होगी जैसे ही करंट इज इंड्यूस्ड करंट इज इंड्यूस्ड ऑन दी ऑन दी क्वाइल ऑन द्वाइल यही चीज तो हमारा फराडे लॉ ऑफ इंडक्शन है तो फराडे ने इस लॉ को बताया था समझ गया गाइस तो जब कभी भी वायर जो होती है अगर आप उसको चेंज करते हो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस को अगर चेंज करते हो वायर के लिए वायर के विद रिस्पेक्ट में तो ऑटोमेटिक उस वायर में करंट इंड्यूस होता है ऐसा फराडे ने बताया था फराडे लॉ ऑफ इंडक्शन हम इसे कहते हैं

ये भी एग्जाम में थ्री मार्क्स को पूछता है तो हम लोग गाइज अभी फ्लेमिंग के आ, राइट के राइट हैंड रूल बारे में हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है? वर्ट वी विल स्टडी फ्लैम राइट हैंड रूलिंग स्मॉल टोटली गाइज टोटली दिस इज वेरी स्मॉल कॉन्सेप्ट एंड वेरी इजिएस्ट वन दिस विल डेफिनेटली कम्स इन योर एग्जाम फॉर थ्री मार्क्स ओके सो चलो लेट्स स्टार्ट ओके गाइस देखो तो जो फ्लैमिंग राइट हैंड रूल है अब पहले हम ये देखते हैं कि क्यों चेक करते हैं हम ठीक है सो इट इज यूज टू चेक इट इज यूज टू चेक लिख लो सब लोग फटाफट इट इज यूज टू चेक द डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करेंट किस लिए इज इंड्यूस्ड करेंट चलो तो हमने तीन रूल पढ़े फर्स्ट राइट हैंड थंब रूल किस लिए किया जाता था चेक द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सेकेंड वन हमने पढ़ा फ्लैमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हम लोग इसको क्यों इस्तेमाल करते थे थर्ड वन क्या था फ्लैमिंग्स राइट हैंड रूल हम लोग इसको क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं टू चेक द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करेंट टू चेक द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करेंट क्यों चेक करते हम लोग इसको टू चेक द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करेंट तो ये सारी कंडीशंस गाइस है आज हम लोग एफ एफ आर एच यानी फ्लैमिंग राइट हैंड रूल पढ़ने वाले हैं फटाफट देखते हैं अभी तो फिक्स हो गया ना कि करंट तो इंड्यूस होगा भाई लेकिन अभी करंट किस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा तो चलो हम ये देख लेते हैं बाय यूजिंग द फ्लेमिंग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल ओके चलो फटाफट फटा आप अपने फिंगर को ऐसे आउट स्ट्रेच करो सभी नाइनटी में होना चाहिए ठीक है देखो दिस इज दम्ब दिस इज दी दिस इज दर इंडेक्स फिंगर एंड दिस इज दर मिडल फिंगर ओके सो लेट्स स्टार्ट जस्ट आउट स्ट्रेच योर ऑल द फिंगर्स ओके देखो यहां पर तो दिस इज दम्ब ओके अब देखो थम्ब क्या दिखाएगा मोशन ऑफ द कंडक्टर हम लोग क्या कर रहे थे कंडक्टर का वो वायर को हम लोग ऐसे हिला रहे थे ना वायर को हम मूव कर रहे थे ना तो मतलब हम मोशन परफॉर्म कर रहे थे ठीक है ध्यान देना अब मैं यहां पर ऐसी एक बना देता हूं जिससे आपको समझ जाए दिस इज दैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस ठीक है और यहां पर क्या था यहां पे गाइज दिस इज दर कंडक्टर ठीक है दिस इज दर कंडक्टर यानी कि वही क्वाइल हम इसको मूव करेंगे हम इसको सपोज बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं ठीक है थीके? बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं ठीक है थीके? चलो तो ये दिखाता है मोशन ऑफ कंडक्टर आप यहां पे देख सकते हो प्लीज आपको इसको याद करना ही पड़ेगा अगर आप इसको याद नहीं नहीं करोगे तो फिर कुछ ठीक है तो मोशन ऑफ द कंडक्टर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ठीक है तो ये मोशन ऑफ द कंडक्टर है जो आपकी इंडेक्स फिंगर है दिस विल रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मतलब आपके

और ये मेरा ये जो है ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसा मेरा मैग्नेटिक फील्ड है ध्यान देना ये ये मेरा magnetic field, ये मेरा magnetic field है एंड थंब मोशन थंब, कर रहा हूं लेट्स स्टार्ट हियर देखो तो अगर मेरा ऊपर की तरफ मोशन कर रहा है इधर मेरा मैग्नेटिक फील्ड है तो इधर को मेरा करंट जाएगा दिस इज माय करंट इस इस डायरेक्शन में मेरा करंट प्रोड्यूस होगा इस वायर में समझ गया अच्छे से तो इस तरीके से गाइस इसमें वायर में करंट प्रोड्यूस होता है ऐसे ऐसे करंट प्रोड्यूस होकर जाएगा आगे समझ गया तो इस तरीके से आपको सारी चीजें समझ के रखनी है तो अगर मोशन ऑफ द कंडक्टर ऐसा है तो आपको अप्लाई करना है और कुछ नहीं हम फिलहाल आगे चल के इसका अप्लाई करेंगे जब हम लोग इलेक्ट्रिक जनरेटर को पढ़ेंगे तो उसका कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ठीक है गाइस तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था ये ओके चलो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और रह गया जिसका हम गैल्वेनोमीटर कहते हैं हम इस गैल्वेनोमीटर के बारे में पढ़ लेते हैं इस गैल्वेनोमीटर के बारे में छोटा सा एक पॉइंट है इट इज यूज टू चेक बहुत ही आसान है मैं फटाफट इसके पॉइंट को लिख देता हूं जिससे कि आपको समझ जाएगा ठीक है गैल्वेनोमीटर यहाँ पे देखो मैं आपको लिख के दे देता हूं ठीक है बहुत ही बच्चू सा कॉन्सेप्ट है छोटा सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे देख लो ये क्यों यूज किया जाता है यूज टू यूज टू मेजर मेजर स्मॉल करेंट अब किसी भी हमने देखो सीखा था कि करंट को मेजर करने के लिए हम अमीटर का इस्तेमाल करते हैं अमीटर का लेकिन अमीटर हमेशा बड़े बड़े करंट को मेजर करता है अगर चिंदू सा करंट अगर पास हो रहा होगा तो क्या करोगे मतलब जितना करंट हमको लगता भी नहीं है उतना करंट पास हो रहा होगा तो हम गैले का इस्तेमाल करेंगे समझ गया गाइस दूसरी बात अगर मान लो देखो कितना करंट मिली सा करंट करंट भी भी अगर पास हुआ ना तो भी इसको ये मेजर कर सकता है गाइस हम लोग के डायरेक्शन को भी इससे चेक करते हैं करंट का जो डायरेक्शन होता है उसको भी हम लोग गैल्वेनोमीटर के इस्तेमाल से हम लोग चेक करते हैं मतलब डायरेक्शन ऑफ वी यूज गैल्वेनोमीटर इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ करंट समझ गया ये बातें आपको समझ के रखनी है गाइस गैल्वेनोमीटर क्या ही प्रिंसिपल की मदद से गैल्वेनोमीटर का जो वर्किंग होता है आप आगे के स्टैंडर्ड में पढ़ोगे बारहवीं क्लास में गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल जो होता है ना उसी की वजह से हमारा वोल्ट मीटर जिससे हम पोटेंशियल को मेजर किया करते हैं और अमीटर इन सभी का फंक्शनलिटी चलती है समझ गया मतलब कि अमीटर और गैलेवेनो वोल्ट मीटर दोनों गैल्वेनोमीटर के प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं जिस प्रिंसिपल पे गैल्वेनोमीटर चलता है

कि डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारा, का करती तो ये था हमारा आज का पूरा सेशन हमको और जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक बारे में सीखने वाले इस तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना होता है एक एक पॉइंट मैंने आपको सिखाया ठीक है सो आपको अगले वाले वीडियो में जल्दी गाइज हम लोग मिलने वाले हैं जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक जनरेटर कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है एसी सर्किट और डीसी सर्किट क्या होती है ये सब हम लोग अच्छे से पढ़ने वाले हैं एकदम डीप कॉन्सेप्ट में ठीक ठीक है है बहुत ही मजा आएगा पढ़ने में है? बस आप बुक्स को रीड करना है जितना आज पढ़ाया उतना बुक्स को पूरी रीड कर लेना है और नोट्स के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी क्लिक करके टेलीग्राम ज्वाइन हो जाओ फट्टे से मस्त एकदम नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी ठीक है सो बाय बाय मिलेंगे अगले वाली वीडियो में